तो दोस्तों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, मेरे पास ये मोबाइल फोन आया है। इस मोबाइल फोन का ग्लास फूटा हुआ है और सबसे खास बात है कि इसमें ओलेड स्क्रीन लगा हुआ है। तो ओलेड स्क्रीन का हम लोग ग्लास कैसे चेंज करेंगे, जिसका तरीका सीखने वाले हैं। दूसरी बात क्या, इसमें क्या क्या सेफ्टी की चीजें यूज करेंगे उनको भी हम लोग समझेंगे। स्क्रीन में ग्लास बिल्कुल फूटा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कांच ऐसे जड़ रहा है। ये देखो कांच के टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं। अगर हम इसको कटिंग करेंगे तो जितने भी कांच के टुकड़े हैं सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें लेमिनेशन कर लेते हैं, जिससे कटिंग करते समय हमको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सिलेंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे, फोन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, ओलेड स्क्रीन में ग्लास कैसे चेंज किया जाएगा उसका तरीका। और एक चीज ये भी समझाते हैं कि ओलेड स्क्रीन में स्क्रीन फिंगर कैसे काम करता है। जब आप नीचे का पत्ता है यूआई इन सबको खोल देंगे तो यूआई आपका निकल के बाहर आ जाएगा। यूआई निकल करके बाहर आ जाएगा। जब यूआई निकल करके बाहर आ जाएगा तो इसको मदरबोर्ड से हम लोग ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। इसमें देखेंगे अगर स्क्रीन फिंगर की बात करेंगे तो जहाँ पर ओलेड स्क्रीन होती है तहाँ पर ये जो स्क्रीन में पीछे ग्लास नहीं लगा होता, जैसे आप ऐसे अंगूठा लगाते हो तो यहाँ से कांच आपको सेंड करता है। देखो यहाँ पर लाइट दिखाई दे रही होगी सभी लोगों को, दिखाई दे रही, यहाँ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ दिखाई दे रही, क्योंकि यहीं पर फिंगर काम करता है। दूसरी बात क्या, फिंगर के लिए कंपनी यहाँ पर फिंगर के आगे कैमरा लगा देती है। जैसे आप उसके ऊपर अंगूठा रखते हो तो अंगूठा क्या काम करता है, कैमरे को सेंस करता है और कैमरा काम करता है। अगर इसमें भी धूल मिट्टी डस्ट चली जाती है तब भी काम करना बंद कर देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्लास कैसे कटिंग करेंगे। इसकी ग्लास कटिंग करने के लिए सबसे पहली बात क्या, हमको इसमें लेमिनेशन करना है। क्या करना है, क्योंकि लेमिनेशन करने से ये हमारा सेफ जोन में हो जाएगा। ये हमारी इस तरीके से थ्री लेयर की लेमिनेशन आती है, ज़्यादा महंगी नहीं आती, शीट आती है। इस सीट को आप ऐसे ले सकते हैं। इस सीट लेने के बाद इसको पहले आप अगर देखेंगे एक लेयर को ऐसे निकाल देंगे, इस लेयर को हम लोग ऐसे इसमें चिपका देते हैं। लेयर चिपकाने से होता क्या है कि आपका जो कांच है वो पूरा एक साइड पूरा चिपक जाएगा। ऐसे इससे हमको कोई कटिंग करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप दीपक बाबू पूछ रहे थे कि बार बार हमसे अलग अलग हो जाता है, तो इससे अलग अलग नहीं होगा। हो गया, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ओलेड स्क्रीन के अंदर ग्लास कैसे चेंज किया जाएगा उसका तरीका समझाने वाले हैं। ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप जैसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको इसके माध्यम से सीखने का तरीका मिल सके। तो दूसरी बात क्या, आपको ये भी पता चले कि ट्रेनिंग सेंटर में किस तरीके से मोबाइल फ़ोन में आपको सिखाया जाता है। हमारे पास ऐसे मार्केट से मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते रहते हैं, तो हम लोग आपको उसी में से ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते भी हैं, मोबाइल फ़ोन को बनाते भी हैं। अब ये हमने इसमें कर दिया, अब इसकी ग्लास की कटिंग करेंगे। ग्लास कटिंग करने के लिए आप हम लोग कटिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। फैन को बंद कर दीजिए बेटा। कटिंग वायर यूज करेंगे। कटिंग वायर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। इसकी रबड़ का, रबड़ ले आइए, रबड़ वायर का। हम मशीन जो होता है 100 टेम्परेचर पर समथिंग उसको मशीन को सेट कर देते हैं। मशीन का देखो बबल रिमूवर वाला बटन खराब हो गया, तो देखो जुगाड़ से बना दिया गया ऐसा सिस्टम।
इसको आप ऐसे रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। जब तक अच्छे से गर्म ना हो तब तक आप इसको ना करें। फिर आप कटिंग वायर लेंगे, कटिंग वायर आपका अच्छा होना चाहिए। तो पकड़ो, सेपरेटर का पहले हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट के लिए गर्म हो जाए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आप इसको रखें, क्योंकि अगर गर्म नहीं होगा फिर आप रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें, आप चालू मोबाइल फोन में देख रहे हैं। अच्छा, कटिंग करने के बाद कोई 100% ये सर्टेनिटी नहीं होती कि मतलब 1% के लिए काम्बो हमारा ख़राब भी हो सकता है। ऐसी जो सिचुएशन होती है वो हम कस्टमर एंड पे जरूर बोलते हैं। इसमें आप कटिंग करते समय आपको ताकत का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से कटिंग करना है। हम लोग उसमें वेट करते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से गर्म हो जाने का। जितना कटे उतना ही काटो। अब यहाँ पर हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहाँ पर सब वेट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं है। अगर ये प्रॉपर तरीके से हीटअप हो जाएगा तुरंत आसानी से क्या हो जाएगा, फट जाए। यहाँ पर दबा करो,
ऊपर हल्का हाथ मार। ये यहाँ से ग्लास फूटा हुआ ना, देखेंगे कि हमारी स्क्रीन सेफ है कि नहीं, स्क्रीन सेफ है। और अगर स्क्रीन सेफ हुई तो ही हम लोग ग्लास चेंज करेंगे, तो ग्लास को हम चेंज नहीं करेंगे। फिर ऐसी सिचुएशन पर फिर हमको पूरा काम्बो डालना पड़ेगा। देखिए ये हमारी स्क्रीन पूरी सेफ है। स्क्रीन सेफ होने के बाद हम लोग इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद इसकी पंचिंग कर देंगे। अब देखिए ग्लास हमारा बहुत टूटा हुआ था, अगर हम लोग इसमें लेमिनेशन नहीं करते तो इसके जितने टुकड़े थे ना, ये सारे टुकड़े अलग अलग हो जाते। अब फिर कटिंग होने में क्या परेशानी आती, ये सब टुकड़े अलग अलग हो जाते तो हम लोग कटिंग नहीं कर पाते। ठीक है ना, फॉरगेट पासवर्ड 19 सेकंड का वेट करें, है ना। बाकी हमारा चल रहा है, देखिए काम वो फर्स्ट क्लास आ रहा है। हम लोग इसमें ग्लास चेंज करके पंचिंग करके आपको दिखाते हैं। ये ओलेड स्क्रीन का काम वो है, ये काम वो ही 4-5 हज़ार रुपये का। इसका ग्लास चेंज करने का कम से कम 500-800 रुपये तक लिया जाता है। 900 रुपये बता रहा था। कितना बता रहा था? 900 रुपये बता रहे थे। वो रिस्क होता, अगर ना होता उसने सीधा जवाब भी दिया होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा आपको फोल्डर पड़ेगा। हमारा जो ग्लू होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। इसको साफ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। करने वाले हैं बिल्कुल, फोन अभी फर्स्ट क्लास बिल्कुल फ्रेश न्यू हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। तो OLED स्क्रीन का ग्लास कैसे चेंज करते हैं आज हम लोग तरीका सीखेंगे, पूरा सेफ्टी के साथ में। इसको पहले गर्म करके साफ कर लेंगे। थोड़ा सा फैन बंद करिए ताकि गर्म हो जाए तो जल्दी छूट जाएगा।
और आप देखेंगे हम लोग इसकी एक बार दोबारा से फिर से टेस्टिंग करेंगे कि मतलब ये प्रॉपर फर्स्ट क्लास है कि नहीं है, कोई कमी तो नहीं है इसके अंदर। इसके लिए हमको इसमें यूआई लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये हमारा कॉम्बो पूरा साफ हो गया है। साफ होने के बाद हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम लोग इसमें ग्लास की पंचिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग ग्लास की इसकी पंचिंग करने वाले हैं और फिर प्रॉपर ओके हो जाएगा, फिर हम लोग इसको पैक कर देंगे फ़ोन को और हमारा ये फ़ोन रेडी हो जाएगा। जब भी आप पंचिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, नमी है, कार्बन है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए बिल्कुल नया क्लॉथ लेंगे। क्लीनर लेंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, साफ कर लेंगे। हल्का हल्का डस्ट रह जाता तो ओसी लग जाता तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी एक भी डस्ट का रफ नहीं होना चाहिए। तो आज आप लोग लाइव देख रहे हैं इस मोबाइल फोन को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पन्नी है इसका ओसीओ को छुटा लेंगे। ओसी छुटाने के बाद इस ग्लास को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद इसको ऐसे सेट कर देंगे। हल्का तो जब सेट हो जाएगा तो ये प्रॉपर ग्लास लग चुका है और फिर हम लोग इस कॉम्बो को बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी आपकी अब धीरे धीरे ऐसे पंचिंग होने वाली है। क्या होने वाली है, ऐसे धीरे 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 करके पंच करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आपको दबाना नहीं है, धीरे धीरे करके ऐसे पूरे पंच कर देना है।
मोहित साहब सिलेंडर चालू करके हवा भरे उसमें। ये हमारे कांबो की पंचिंग हो चुकी है। पंचिंग होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, मशीन में रखेंगे। मशीन में रखने के बाद इसको चिपका देंगे। तो चलो हम लोग सिलेंडर में चलते हैं, ताकि सिलेंडर में डालने के बाद जो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, ये ऐसे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब बिल्कुल कांबो कैसा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। जाएंगे मशीन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको हमेशा जो रखेंगे फेस ऊपर की तरफ रखते हैं, ऐसे कांबो के अंदर डाल देते हैं और इसे स्टार्ट करेंगे। ये देखो इसमें हवा भर गई है। हवा भरने के बाद इसमें दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के बाद कांबो हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बिल्कुल चिपक जाएगा। इसको हम लोग 4-5 मिनट तक का समय दे देते हैं। 4-5 मिनट समय के बाद हमारा कांबो क्या हो गया है, पंच हो गया है। इसमें जो प्रेशर होता है वो 90 का प्रेशर दिया जाता है, 90 का प्रेशर होता है। जब आपका 90 का प्रेशर होता है तो 90 के प्रेशर में इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। अगर इससे थोड़ा सा कम प्रेशर रह जाएगा तो पंचिंग आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, हो सकता है कि एक आध बबल्स उसमें रह जाए। इसमें हवा वही वाली हवा भरी जाती है जैसे जो हम लोग ना टायर में भरते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मोटरसाइकिल का जो टायर होता है ना, उसमें भी 40 हवा भरी जाती है, प्रेशर होता है 40 का। उसी तरीके से इसके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो कितना है, 90 का है, काफ़ी प्रेशर है। और उस प्रेशर में हमारा कांबो बिल्कुल पंच हो जाएगा। समथिंग 5-4 मिनट का समय देते हैं। इसे हम लोग बबल रिमूवर बोलते हैं, जो पंचिंग होती है हाथ से करते हैं। ये मशीन जो होती है दो पार्ट में भी आती है। दो पार्ट में आने का मतलब रहता है कि उसमें पंचिंग के लिए अलग सिस्टम होता है, लेकिन हम लोग पंचिंग कभी नहीं खरीदते, पंचिंग मोस्टली हाथ से ही करते हैं। हाथ से पंचिंग करने में बहुत बड़ा फायदा है कि हो सकता है कांबो आपका मशीन के द्वारा टूट जाए, लेकिन हाथ के द्वारा कभी कांबो टूटेगा नहीं, क्योंकि हाथ हमारा उतना ही दबाव देता है जितना ग्लास उसको महसूस कर सके, लेकिन मशीन तो महसूस नहीं करती। मशीन तो आएगी, दबाएगी, हो सकता है कांबो मोटा हो जाएगा तो टूट जाएगा, पतला होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसलिए हम लोग कांबो को हाथ से पंचिंग करते हैं और इसके माध्यम से चेंज करते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा है कि ओलेड स्क्रीन के अंदर ग्लास को कैसे चेंज किया जाता है। वैसे एलसीडी में तो मैंने काफी सारा वीडियो डाला था, लेकिन ओलेड में फिलहाल एक आध वीडियो ही पड़ा हुआ था। तो आज हम लोग ओलेड के बारे में डाला है कि ओलेड मोबाइल फोन में ग्लास कैसे चेंज करेंगे। ये जो वीडियो मैंने डाला है, इस वीडियो को आप लोग जितने भी सारे लोग हैं जो देखते हैं, आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार देखो। इससे क्या होता है कि आपको काम करने का तरीका पता चलेगा कि कैसे कटिंग हो रही है, कितना सफाई किया जाता है। सफाई करते समय प्रेशर नहीं होना चाहिए, कटिंग करते समय आपको ताकत नहीं लगाना, आपको जितना कटिंग हो उतना ही कटिंग करना, क्योंकि कटिंग करने में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हमारी टूट जाएगी, डिस्प्ले हमारी खराब हो जाएगी, और डिस्प्ले खराब हो जाएगी तो कटिंग करने का कोई फायदा ही नहीं। मोबाइल फोन का, कोई भी मोबाइल फोन का जो ऊपर का ग्लास जो आता है वो मात्र 40 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक ही आता है। आईफोन का 150-200 रुपये का आता है, वरना 40 रुपये लेकर 60 रुपये तक आता है, उसी लगा हुआ आता है। आप ग्लास की कटिंग करिए, हटाइए, साफ सुफ करिए और पंच करिए। ग्लास चेंज करने का मार्केट में 350 रुपये से लेकर 1000-2000 रुपये तक लिया जाता है।
अच्छा 350-400 उनका लिया जाता है, जो नॉर्मल मोबाइल फोन आते हैं ओलेड स्क्रीन होती है उसका 800-900 हजार रुपए लिया जाता है। बहुत ऐसे मोबाइल फोन आते हैं जिसमें कर्व डिस्प्ले होती है, कर्व का मतलब समझ रहे हो, ऐसे घूमी हुई डिस्प्ले होती है। जैसे अभी रियलमी का 11 प्रो मोबाइल फोन आया है, सैमसंग के S10 अल्ट्रा, ये जो मोबाइल फोन है और भी ओप्पो का मोबाइल फोन है, तो सब में कर्व डिस्प्ले आ रही है। कर्व डिस्प्ले का ग्लास चेंज करने का 1000-1200 रुपए लिया जाता है। और चेंज कैसे करना होता है, इसी तरीके से आपको कटिंग करना होता है, साफ करना होता है, ग्लास को पंच करना होता है, मशीन में जाकर बबल निकालना होता है। 5 मिनट के जैसे प्रेशर हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं। 5 मिनट में हमारा पूरा ग्लास पंच हो चुका है, हम लोगों ने निकाला, मशीन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा ग्लास पंच हुआ कि नहीं पंच हुआ। देखिए बिल्कुल आपका ग्लास फर्स्ट क्लास क्या हो चुका है, पंच हुआ, एक भी बबल नहीं है, है ना, बिल्कुल काम वो कैसा हो गया, नया हो गया। अगर मान लिया अगर आपको पंचिंग करते समय अगर आपको लगता है कि कोई कहीं एक आध बबल रह गया, इन केस कहीं बबल रह गया, काम वो कैसा था, बिल्कुल टूटा हुआ था, अब कैसा हो गया, बिल्कुल फ्रेश नहीं हो गया। अगर मान लिया इनकेस अगर हल्का सा बबल रह जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, फिर आप उसको रखो, फिर अंदर डालो, फिर 2-4-5 मिनट के लिए डाल दो, फिर से इसमें प्रेशर होगा, 4 मिनट 5 मिनट जितने भी बबल्स हैं सारे बबल्स बाहर निकल जाएंगे और ग्लास आपका क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब चलो हम लोग इसको मोबाइल फोन में चेक करते हैं फिलहाल कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है और हमारा मोबाइल फोन ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ, तो आगे चलते हैं सब लोग। हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिट कर देंगे, अगर ग्लास कहाँगे टूटा वाला कहाँगे फेंक दिया, देखिए पहले इसकी ऐसी हालत थी, अब कैसा हो गया, नया जैसा हो गया, इतना टूटा हुआ था, इसको टूटने के बाद हम लोगों ने कैसा कर दिया, नया कर दिया। आप लोग देखने वाले हैं हम लोग इसका रिजल्ट फाइनल, ये देख हमारा काम वो कैसा हो गया, बिल्कुल फ्रेश नहीं, फर्स्ट क्लास हो गया। अब इसको देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई कमी तो नहीं है, ये फर्स्ट क्लास हमारा मोबाइल फ़ोन चल रहा है। और हम लोगों ने कभी भी मोबाइल फ़ोन का जब आप ध्यान देंगे, ये ग्लास है जैसे बहुत टूटा फूटा होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक लेमिनेशन रोल रखेंगे, ये देखिए ऐसा 3 लेयर का लेमिनेशन रोल होता है, ये 3 लेयर का लेमिनेशन रोल क्या काम करते हैं, हम लोग इसको काटते हैं और काटने के बाद डिस्प्ले में चिपका देते हैं। डिस्प्ले में चिपकाने से क्या होता है कि हमारा जो कांच के जितने टुकड़े नहीं होते, जो भी सारे कांच के अलग अलग जितने भी सारे टुकड़े होते हैं, ये सारे देखो, ये सारे कांच के टुकड़े जब आप कटिंग करेंगे तो सारे टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इसने यहाँ पर टेप से चिपका दिया है या लेमिनेशन कर दिया है तो सारे टुकड़े कैसे हो जाएंगे, एक साथ पंच हो जाएंगे, है ना, तो कटिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये फ़ोन हमारी बैटरी डाउन हो गई है, फ़ोन हमारा चल रहा है, तो चलिए हम लोग इसको पूरा पैक कर देते हैं।
ऐसे चारों तरफ से ग्लू में हाथ लगा देते हैं। हाथ लगाने से क्या होता है, ग्लू भर जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हल्की सी सांस होगी वो सांस नहीं दिखेगी। ये देखिए,
ये हमारा फोन चालू हो गया है। इसमें देखो बढ़िया काम कर रहा है। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो टूटा फूटा मोबाइल फोन है उसका हम लोगों ने क्या किया है, उसका हम लोगों ने ग्लास चेंज किया है। बढ़िया हमारा मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास हो गया और हमारा मोबाइल फोन अच्छे से चल रहा है। तो आज के दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को कई बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। थैंक यू दोस्तों।